नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई मलेशिया के बारे में। जी हाँ भाई, मलेशिया में अभी भी लोगों की चुल इतनी मची है कि लोग मलेशिया जाना चाहते हैं। बाकी यार मलेशिया में है क्या? सबसे ज़्यादा करप्शन वहाँ पे है, पुलिस करप्टेड है नो डाउट, और वहाँ पे वीज़ा वाले भी वैसे ही हैं। नहीं, जिनके पास वीज़ा है वो भी, उनकी स्थिति ऐसी है, काम कर लेते हो तनख्वाह नहीं देते हैं, लोग पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, पैसा खा के भाग जाते हैं, फिर आपको जेल जाना पड़ता है। जेल की स्थिति बड़ी ख़राब है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग मलेशिया जाना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर आदमी जो मलेशिया से इंटरेस्टेड है 10 लोगों को बात ये पहुंचाएं। वीडियो शेयर ना करें, आपकी मर्जी है, लेकिन 10 लोगों को ये बात शेयर करनी है कि भाई मलेशिया जाने से बच लें। भाई मलेशिया में फ्री में नहीं मिलता है, पैसा भी आप लोग देके जाते हो, आपको जेल भी काटनी पड़ती है। डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब बता दूं, मलेशिया जाने वालों की चुल इतनी मची है कि लोग बोलते हैं कि हमें थाईलैंड के द्वारा मलेशिया में घुसा दो, इंडोनेशिया के द्वारा मलेशिया में घुसा दो, हमें तो बस पहुंचा दो। अब अरे भाई, नरक में जा रहे हो, नरक समझते हो आप, वहाँ पे जा रहे हो, मलेशिया की स्थिति है। क्योंकि यार मलेशिया में खुद में भूखमरी की स्थिति है, वहाँ के खुद के लोग बेरोजगार बैठे हैं, वो एक थोड़े थोड़े पैसे के लिए भ्रष्टाचार कर लेते हैं, आपको सबको पता है। और मलेशिया के लोग तो नहीं चाहते कि वो आप विदेशियों को यहाँ पर एंट्री भी मिले। आपको पता है ना, थाईलैंड के ऊपर इंडोनेशिया बॉर्डर पे मलेशिया ने अपनी आर्मी तक तैनात कर रखी है कि इधर से लोग बॉर्डर क्रॉस करके अपने देश में आ रहे हैं। ऐसा क्या है भाई, मलेशिया में सबसे डाउन इसका सिक्का है, जितनी भी कंट्री है ना सबसे डाउन है इसका। गल्फ में इससे तो बढ़िया गल्फ चले जाओ यार, 50-20 का भाव तो मिलता है ना। मलेशिया का आज से वही भाव पड़ा है, 17-18 का भाव चल रहा है, आपको सबको पता है। इतनी स्थिति वहाँ पे ख़राब है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ से विजिट वीज़ा में एजेंट बोलते हैं कि आपको एजेंट से अंदर घुसा देंगे, जी इंडोनेशिया से अंदर घुसा देंगे, समझ गए बात को। वहाँ पे भी आपको पता नहीं किस तरह से वो घुसा भी देंगे, लेकिन जिस दिन आप पकड़े जाओगे तो आपके साथ क्या होगा, जेल में पता है क्या कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है। गल्फ देशों में जेल में भी बंदा रहता है तो उसको पूरी सुविधा मिलती है, और अगर मलेशिया की जेल में फंस गए ना तो आपको जिंदगी में दोबारा मलेशिया जाने का नाम नहीं लोगे। टाइम पे आपको खाना तक नहीं दिया जाता, शोषण होता है, आप सबको पता है, मारपीट होना, शोषण होना, ये आम बात है मलेशिया की जेलों में, भूखे लोग मर जाते हैं। अगर आपके में वजन 80 किलो है ना तो जेल में रहकर एक महीने भी आओगे तो 10 किलो वेट कम हो जाएगा, आपको पता है मलेशिया की स्थिति क्या है। पुलिस वहां की आपको पता ही है कैसी है, आपने जो लोग मलेशिया में रहते हैं आपको पता है ना, परमिट होने के बावजूद भी आपको कमी निकाल देंगे, क्योंकि परमिट तो आपको दूसरे काम का है, आप दूसरा काम कर रहे हो, आ जाओ जी लपेटे में, बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के आ जाओ जी लपेटे में, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो भाई देखिए, जो मलेशिया जाना चाहते हैं वो प्लीज रिक्वेस्ट है, रुकिए। अभी भी वहां पे संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है मलेशिया में, बता दूं, फिर भी वहां का जो इमिग्रेशन जो पुलिस अधिकारी है वो पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के आपको, जैसे है ना कुत्ता बिल्ली चूहे को कैसे ढूंढती है वैसे ढूंढ रहे, आप स्क्रीन के माध्यम से फोटो में भी देख सकते हैं। आप कहीं भी छुप जाओ, आपको छोड़ने वाले नहीं है, सबको निकालेंगे वो सब कुछ। भाई मलेशिया में कुछ नहीं रखा। रिक्वेस्ट है जो लोग विजिट वीज़ा में, विजिट वीज़ा भाई 15 दिन का वीज़ा होता है, उसमें मत जाना। वर्क परमिट वीज़ा मलेशिया ने बंद कर रखे हैं, सिर्फ वो पाम ऑयल वाला काम है ना जिसमें 800-900 रिंगिट तनख्वाह होती है, वो ही काम है, वो वीज़ा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, उसका भी आप 1-1 लाख रुपये दे देते हो, बताओ, वो वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फ्री में भेजे ना तो आप बोल सकते हो कि मैं चला जाऊँगा, बाकी उसमें मत जाना। जंगलों में ऑयल निकालने का काम होता है, आपको पता है पाम ऑयल जो सब्जी बनाते हैं वही तेल है, वही निकलता है वहाँ पे, उसी में वर्कर जाते हैं, जो मजदूर टाइप के बेचारे अनपढ़ होते हैं वो जंगलों में पड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं, चावल खाते रहते हैं, चावल और दाल, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, आटा भी आपको गेहूँ का नसीब नहीं होता मलेशिया में, सबको पता है ना। मलेशिया जाने वाले खास तौर से बचे, विजिट वीज़ा में एजेंट जो भेजता है ना उसके थप्पड़ मारे जोर से, एक फंसा देगा वहाँ आपको, इससे तो बढ़िया आप इंडिया में ही रहो, यहाँ पे भूखे मरोगे तो अच्छी बात है, वहाँ फंस जाओगे तो जाना इजी है, मलेशिया से आना बड़ा मुश्किल है, आप सबको पता होना चाहिए। आप जाओगे 1 लाख रुपए खर्च करके, आओगे 2 लाख रुपए खर्च करके, ये स्थिति है। आप इलीगल होने के बावजूद भी आउट पास नहीं बनेगा, आपको वहीं पड़ा रहना पड़ेगा जेल में। जेल में पहुंच गए तो घर वाले इधर से परेशान, आपको इधर से टिकट जब तक जेल प्रशासन को नहीं जाएगी तब तक आपको नहीं आ सकते, चाहे आप 1 साल 2 साल 3 साल जेल में पड़े रहो, ये वहाँ के नियम कानून कायदे उल्टे हैं जस्ट, समझ गए ना। तो इन चीज़ों से बचें, सावधान रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।